हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे थे क्रैकर जीएस एकेडमी में, जो हम लोग अल्टरनेट कर रहे हैं। अल्टरनेट में आज मंडे है दोस्तों, तो आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की, जो हम लोग उस समय की अगर हम बात करें, जो अभी जो टॉपिक चल रहा है, मतलब जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसकी बात अगर हम करें, तो दोस्तों हम लोग इंडियन क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ज्योग्राफी में भी, इंडियन ज्योग्राफी में भी हम लोग इंडियन क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इंडियन क्लाइमेट में मैंने बताया था आप लोगों को कि दोस्तों हम लोग इंडियन क्लाइमेट को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि कुछ बेसिक शब्द होते हैं उसमें जानने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको आपको सबसे पहले तीन शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है इंडियन क्लाइमेट अगर पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि दोस्तों कोरियालिस फोर्स क्या होता है। कोरियालिस फोर्स क्या होता है फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए। देन आपको पता हो जाए प्रेशर बेल्ट क्या होता है दोस्तों, प्रेशर बेल्ट। फिर आपको पता होना चाहिए एयर सर्कुलेशन। अब ये हिंदी दोस्तों अगर हम बात करें कोरियालिस फोर्स की, दोस्तों इंग्लिश हिंदी में भी दोस्तों कोरियालिस फोर्स बोलते हैं। प्रेशर बेल्ट का मतलब वायु दाब पेटियां दोस्तों, एयर सर्कुलेशन में वायु, जो वायु होती है उनके फ्लो, उनका डायरेक्शन किस दिशा में है ये हमको देखना होता है, है ना, मतलब एयर सर्कुलेशन। तो ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको फर्स्टली क्लाइमेट पढ़ने से पहले ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको दोस्तों फर्स्ट क्लास में ये बताया था, सेकेंड क्लास में दोस्तों मैंने आपको ये समझाया। अभी आज जो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो एयर सर्कुलेशन के ऊपर है और आज हम लोग एयर सर्कुलेशन को करेंगे। तो जहां हम लोगों ने क्लास को छोड़ा था वहीं से दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग एयर सर्कुलेशन की आज बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग आराम से बैठ जाइए। जो भी आज मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जो भी मेरी क्लास, ये वाली क्लास देख रहा है या देखेगा बाद में, है ना, जो भी देखेगा तो उसको मैं बता दूं दोस्तों, उसको करना क्या, मेरी पीछे की जितनी भी क्लासेस हैं जो क्लाइमेट से संबंधित जितनी भी क्लासेस हैं आपको पहले वो देखना है, देन आपको ये आज की क्लास समझ आए। क्योंकि दोस्तों क्लाइमेट जो है आप कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते, क्लाइमेट की फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बीच बीच से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। मैंने क्योंकि दोस्तों कोरियालिस फोर्स पीछे समझाया, आज मैं एयर सर्कुलेशन में पहले कोरियालिस फोर्स की बात करूंगा तो आपको दोस्तों समझ नहीं आएगा वो क्या होता है। तो आपको पहली क्लास देखनी है। प्रेशर बेल्ट के बारे में मैंने पीछे पढ़ाया दोस्तों, वो भी आपको देखना है, ठीक है। मैं अभी थोड़ा उसको रिवाइज करूंगा बट जल्दी जल्दी, और एयर सर्कुलेशन आज पढ़ना है, ठीक है। तो पीछे की क्लास जो भी है दोस्त मेरे, है ना, जो भी गर्ल्स या बॉय, उनको करना क्या कि पीछे की क्लास जरूर देखनी है क्लाइमेट की। दोस्तों आप पीछे की आप मिस करेंगे तो आप दोस्तों समझ में नहीं आएगा चीज़ें, ठीक है, तो वो करना। और भी अगर कोई नया बच्चा हो, जो दोस्तों मेरी पीछे की क्लासेस हैं, जैसे कि इंडियन, जैसे कि हम बात करें इंडियन फिजियोलॉजी हमने पढ़ाया दोस्तों, रिवर्स पढ़ाई है मैंने, बहुत सारे टॉपिक इससे, मतलब इंडियन ज्योग्राफी का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी समापन यानी इसका खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले के जितने भी अगर आपको पढ़ना है बहुत डिटेल से, यूपी पीसीएस तक का मैंने बताया आपको, वहाँ बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया, क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं उसको आराम से, तो आप उसको जरूर देखें पीछे, ठीक है। तो और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, मेरी एक और चैनल चल रही है दोस्तों ओनली हिस्ट्री के नाम से, दोस्तों ओनली हिस्ट्री के नाम से, अभी मैंने अभी जल्दी ही बनाई उसको रिसेंटली, उसमें दो ही क्लासेस हुई हैं। मैं उसमें सिर्फ दोस्तों हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ओनली हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और इस समय जो मैं उसमें टॉपिक पढ़ा रहा हूँ दोस्तों वो मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग दोस्तों जाएं उसको देखें, मैंने उस पे भी मैं पीसीएस तक का पढ़ा रहा हूँ। मैंने कल उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि कैसे दोस्तों क्वेश्चन आता है, मैंने उस पर एक क्वेश्चन दिया था मेंस में लिखने के लिए दोस्तों, मैंने उसमें कल वहाँ पे एक क्वेश्चन भी कराया और टॉपिक के साथ में कि टॉपिक कराया फिर उसका क्वेश्चन भी कराया। तो आप लोग वहाँ जाके भी दोस्तों देख सकते हैं, ओनली हिस्ट्री नाम से जो मेरी चैनल है उसको आप देखें, ठीक है। तो ये बात हो गई। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगी दोस्तों, क्रैकर जीएस एकेडमी नाम से दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें दोस्तों, क्रैकर जीएस एकेडमी, इसी जो चैनल है इसी के नाम पर दोस्तों है, तो आप वहां से जाके भी देख सकते क्या है पीडीएफ, मैं वहां देता हूं आपको पीडीएफ कलेक्ट करने। मैंने बताया था कि जैसे कि जब इंडियन क्लाइमेट खत्म हो जाएगा तब हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब टॉपिक शुरू करते हैं देर ना करके दोस्तों। और आप लोगों का दोस्तों काम क्या है, अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, क्या करना है, वीडियो को शेयर करते रहना, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है, क्या टॉपिक और पढ़ना है, क्या कुछ समझ में ना आए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। कहीं से भी दोस्तों
जो अभी तक मैंने पढ़ाया है पीछे की जितने भी क्लास, कहीं से भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा उसको, है ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज जो है वो एयर सर्कुलेशन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दोस्तों एयर सर्कुलेशन, यानी जो दिशाएं हैं, जो हवा है, सॉरी दोस्तों, हवाओं की जो दिशा है किस तरीके, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना पूर्वी, है ना, है ना, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है, पश, है ना, दक्षिणी क्या कहते हैं दोस्तों वेस्टर्लीज, है ना, साउथ वेस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्लीज, है ना, और दोस्तों ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ये पढ़ते हैं ना दोस्तों हम लोग, है ना, पछुआ पवन है ना, पूर्वी पवन, ये सारी पवन पढ़ते हैं ना, तो उनके बारे में ही आज हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो एयर सर्कुलेशन हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, एयर सर्कुलेशन। दोस्तों मैं आपको एक बता दूं, इस वाले टॉपिक में दोस्तों आप इंग्लिश के शब्द बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, हिंदी के शब्द ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाएंगे, बट इस शब्द में ज्योग्राफी में कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिसको आप इंग्लिश में अगर पढ़ लेंगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, हिंदी थोड़ा टफ हो जाती है ज्योग्राफी में थोड़ी। ठीक है दोस्तों, हालांकि मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं, आप लोग जानते ही। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ, अब आपका मैं आपको पढ़ा दोस्तों, ये होगी हमारी अर्थ। ठीक है, थोड़ा बड़ा अगर गोल गोल ना बने तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस हम लोग को वहाँ पे बना के समझना है आप लोगों को। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ से जानते हैं दोस्तों हम लोग, मैंने बताया था कि इसके मध्य से दोस्तों 0 डिग्री गुजरती है, इसको क्या करती है, दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गई, इसके नॉर्थ में दोस्तों ये क्या होती है दोस्तों, ये 23.5 डिग्री क्या होती है दोस्तों, 23.5 डिग्री ये नॉर्थ होती है, और ये क्या होती है दोस्तों, 23.5 डिग्री है ना नॉर्थ, और ये क्या होता है दोस्तों, ये है ना, पता है ना ये क्या होता है, ये 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ पोल होता है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे भी ये क्या होता है दोस्तों, 23.5 डिग्री साउथ, और ये क्या है दोस्तों, 66.5 डिग्री। ठीक है, अभी मैं इनको लिख दूंगा, और ये क्या है दोस्तों, 90 डिग्री नॉर्थ साउथ पोल ये है ना। तो आपको करना क्या है, इन सब जो लाइनें हैं, इन सब के लाइनों के 5 से 7 डिग्री इस तरीके से लाइन खींच देनी है। ये एक बेल्ट होता है, हर एक लाइन पे, जैसे ये 0 डिग्री है दोस्तों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0 डिग्री है, और उधर ये जैसे दोस्तों 23.5 डिग्री क्या है दोस्तों, नॉर्थ है, इधर दोस्तों 66.5 डिग्री क्या है दोस्तों, नॉर्थ है, और ये 90 डिग्री, और फिर इधर बात करेंगे तो दोस्तों 23.5 डिग्री दोस्तों साउथ है, जिसको दोस्तों कर्क रेखा बोलते हैं, और वो मकर रेखा बोलते हैं, और 66.5 डिग्री दोस्तों साउथ है, इसको आर्कटिक है ना, साउथ है दोस्तों, और फिर ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बात हो गई, तो हम लोग क्या करना है, आपको हर जो लाइन है, जैसे ये 0 डिग्री है, इसके दोस्तों 5 से 7 डिग्री पर क्या करना है, ऐसे लाइन खींच देनी सब पे, 5 से 7 डिग्री दोनों तरफ इस तरीके से, 5 से 7 डिग्री, ठीक, इस तरीके से 5 से 7 डिग्री आपको क्या करना है, लाइन खींच देना है, और ये तो ऐसे को इसको ऐसे ही रहने दो नॉर्थ। ठीक है, इधर भी करना है आपको इसी तरीके से, सब में 5 से 7 डिग्री सबका, इस तरीके से आपको थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, हम लोग समझ लें, बस समझना है हम लोगों को कि कैसे क्या होता है, बाकी हम लोग ठीक है 5 से 7 डिग्री ये होता है। मैं इसको लिखना भी है ना तो थोड़ा इसको चौड़ा बनाना पड़ेगा, तो अरे यार ये नीचे है ना थोड़ा, तो ये ठीक है 5 से 7, आप लोग बस अभी देखिए, अभी बनाना नहीं, बनाएंगे जब आप में, जब लास्ट में मैं कहूँगा तब आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं बनाने की, ये 90 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, अभी देखो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, मैंने फिर कहा पिछली क्लास नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, यहाँ प्रेशर क्या होता है दोस्तों 0 डिग्री पर, प्रेशर क्या होता है दोस्तों, जो भी पुराने हैं क्या होता है दोस्तों, प्रेशर लो है ना, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है दोस्तों, प्रेशर हाई, मैं सब पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे। मैं अभी आपको एक चीज़ बता दूंगा कि आपको अगर ना समझ में आए तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, प्रेशर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, लो, और फिर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, प्रेशर यहाँ क्या होगा दोस्तों, हाई, इसी तरह यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, प्रेशर यहाँ क्या होगा दोस्तों, प्रेशर इसी तरह हाई, और यहाँ क्या होगी दोस्तों, प्रेशर इसी तरह लो, और फिर यहाँ क्या होगा दोस्तों, प्रेशर हाई,
ठीक है, ये हाई का सिंबल मतलब हमने जब इस तरीके से बनाया तो हाई का सिंबल है, ये इस तरह ऊपर बनाया मैंने तो ऊपर का मतलब हाई है, नीचे मतलब डाउन करके मैंने एरो बनाया तो क्या है उसका मतलब लो। अब इसको और इस बेल्ट को हम लोग क्या बोलते थे दोस्तों, इस बेल्ट को क्या बोलते थे दोस्तों, इक्वेटोरियल टोरियल लो, क्योंकि क्या है दोस्तों यहां पे प्रेशर क्या है लो। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सब ट्रॉपिकल हाई, क्यों, क्योंकि दोस्तों प्रेशर क्या है दोस्तों हाई, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल दोस्तों क्या है दोस्तों हाई, क्यों दोस्तों, क्योंकि प्रेशर क्या है हाई। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टेम्परेट अभी मैं हिंदी बता दूं दोस्तों, टेम्परेट लो, क्यों दोस्तों, क्योंकि प्रेशर लो है। और इसको क्या बोलते हैं, पोलर हाई भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पोलर हाई, है ना, पोलर हाई। इसी तरह दोस्तों यहां पे भी सेम रहेगा, सेम इसी तरह यहां भी रहेगा दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सब ट्रॉपिकल क्या रहेगा दोस्तों, हाई, ठीक है। और फिर यहां पे क्या रहेगा, टेम्परेट, अभी मैं हिंदी बोल दूंगा दोस्तों, टेम्परेट लो रहेगा दोस्तों, और यहां क्या रहेगा दोस्तों, ये पोलर हाई। बातें समझ में आ रही ना, मतलब देखो मैंने क्या बताया था दोस्तों, यहां पे सन की लाइट डायरेक्टली, क्योंकि जीरो डिग्री पे, अभी मान लो जीरो डिग्री पे सन है, तो जीरो डिग्री पे सन जब रहेगी तो दोस्तों क्या रहेगी, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, और मैंने बताया था पहली क्लास में, टेम्परेचर ज्यादा तो मतलब प्रेशर कम, तो प्रेशर कम रहेगा तो दोस्तों क्या बोल देगा उसको, इक्वेटोरियल लो। और फिर इसके बाद क्या, यहां पे क्या है, यहां पे प्रेशर हाई है तो इसीलिए इसको सब ट्रॉपिकल हाई बोला, इसके यहां पे प्रेशर कम है तो इसीलिए इसको टेम्परेट लो। और ये जो होती है रेखाएं, ये पृथ्वी पे इसी तरह होती हैं दोस्तों, ये 23.5 डिग्री साउथ को दोस्तों सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, और ये भी दोस्तों 23.5, ये पूरा जो होता है, ये पूरा जो यहां से लेके ये पूरा बेल्ट होता है ना दोस्तों, इसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल बेल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, पेटी बोलते हैं, ट्रॉपिकल, ठीक है, इस पूरे को। बट ये अभी यहां पे हमको ये चीज नहीं देखनी है, तो इसको कंफ्यूजन ना हो, आप लोग इसको मत समझें अभी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, तो ये 23.5 डिग्री मैंने बता दिया इस तरीके से, मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया, फिर मैं अब इसको मिटाल रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको अब क्या कर रहा हूँ, मिटाल रहा हूँ इसको। मैंने देखो क्या लिखा था, इसको मैंने बोला था, मैंने दोस्तों इसको क्या बोला था, इसको मैंने दोस्तों क्या बोला था, थर्मल हाई, है ना, इसको मैंने बोला था दोस्तों थर्मल हाई बोला था, सॉरी दोस्तों थर्मल लो बोला था इसको मैंने, और इसको क्या मिला था, मैंने डायनेमिक हाई बोला था, इसको डायनेमिक लो बोला था, और इसको थर्मल क्या बोला था दोस्तों, हाई। इसी को इसी तरह मैंने यहाँ क्या लिखाया था पिछली क्लास में, इसको डायनेमिक हाई, इसको डायनेमिक लो, और यहाँ पे दोस्तों थर्मल हाई पढ़ाया मैंने पिछली क्लास में, आप देखेंगे आपको सब चीज़ मिल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि अब फिर वही चीज़ मैं फिर यहाँ पढ़ाऊंगा तो दोस्तों क्या होगा, चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाएंगी। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों, आपको चीज़ें तो यहाँ पता ही हो गई क्या कैसे हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पे एक चीज जानो क्या होता है, जहाँ प्रेशर कम होता है दोस्तों वहाँ क्या होता है, हवा क्या होती है दोस्तों, ऊपर की ओर उठती है, मैंने पढ़ाया था, जहाँ पे प्रेशर कम होता है दोस्तों वहाँ क्या होती है, हवाएं क्या होती है दोस्तों, ऊपर की ओर उठती हैं, ऊपर की ओर उठी, और जहाँ दोस्तों प्रेशर कम ज़्यादा होता है वहाँ क्या होती है दोस्तों, हवाएं बैठती हैं, वहाँ क्या होती है दोस्तों, हवाएं बैठती हैं। दोस्तों क्या होगा, जब हम जैसे खड़े हैं तो हम पर प्रेशर अगर ऊपर से लगाया जाएगा तो क्या होगा, हम बैठेंगे ना नीचे की ओर, तो जहां प्रेशर ज्यादा रहेगा उसका मतलब क्या है कि हम जहां प्रेशर का मतलब ज्यादा है कि मतलब कि उस पर फोर्स लग रहा है हवाओं का, तो ये अर्थ है, तो जब यहां पे प्रेशर ज्यादा है तो मतलब जो क्या है कि हवाओं जो है अर्थ पर फोर्स लगा रही है, ये ऐसा एग्जाम्पल लेके समझ लो, बट ये जान लो कि ये ऐसा ही होता है, ठीक है। जहां पे हवा प्रेशर कम होगा भाई, हमारे पर प्रेशर कम लगेगा तो हम अपने आप ऊपर नीचे बैठ सकते हैं, बट यहां पे क्या होगा, जब प्रेशर ज्यादा लगेगा तो दोस्तों क्या होगा, हम नीचे की ओर धंसेंगे। इसी तरह दोस्तों क्या होगा, प्रेशर हाई के मतलब क्या है कि अब जो विंड का डायरेक्शन जो हो गया वो अर्थ की ओर जा रहा है, और जब ये मतलब नीचे बैठ रही है, अर्थ में नीचे बैठ रही है हवाएं, और जब प्रेशर कम है तो दोस्तों हवाएं क्या होगी, ऊपर की ओर। तो यहां पे दोस्तों प्रेशर कम है तो हवाएं ऊपर उठी, यहां पे दोस्तों प्रेशर ज्यादा है तो क्या हुई, हवाएं दोस्तों क्या हुई, नीचे बैठी। अब समझ में आ गया, थोड़ा एग्जांपल देके समझ में आया। इसी तरह दोस्तों यहाँ भी बना लो, प्रेशर कम है तो दोस्तों हवाएं ऊपर उठी इधर, इसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्रेशर ज़्यादा है तो दोस्तों क्या होगा, हवाएं नीचे की ओर बैठी, ठीक है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम ज़्यादा है तो क्या होगी दोस्तों, हवाएं नीचे की ओर बैठ रही, यहाँ पे दोस्तों प्रेशर ज़्यादा है कम है तो हवाएं ऊपर की ओर उठ रही। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्रेशर ज़्यादा है तो हवाएं अंदर की ओर जा रही, ठीक है। अब समझ में आ गया, फिर मैंने क्या बताया, जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो क्या होती है दोस्तों, वो
दो तरफ, दोनों तरफ फैल जाती हैं, फैल जाती हैं, इसी इस तरह भी यहाँ भी फैल जाएंगी, मैंने पिछली बार में पढ़ाया। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी देखो, ये भी दोस्तों क्या होगा, दोनों तरफ फैल जाएंगी, दोनों तरफ फैल जाएंगी दोस्तों विंड, ठीक है। इसी तरह दोस्तों ये भी दोनों तरफ दोस्तों क्या होगा, फैल जाएंगी, फैल गई, ठीक है। और ये वाली डायरेक्शन दोस्तों ये ऐसे करके इधर आएगी, और ये क्या होगी दोस्तों इधर गई, ये क्या होगा दोस्तों, इस तरह इधर से जाएगी पूरा विंड डायरेक्शन, ये ऐसे, और ये दोस्तों ऐसे, और ये दोस्तों इस तरीके से। क्यों दोस्तों? क्योंकि पूरा चक्र पूरा करेंगी ना, अपना पूरा चक्र पूरा करेंगी, तो ये दोस्तों इधर की ओर भी मुड़ेगी ये वाली डायरेक्शन विंड, और ये दोस्तों क्या होगा इधर की ओर, ये पूरा क्योंकि अपना चक्र पूरा करेंगी, ठीक है। और ये वाला दोस्तों इस तरह ऊपर की ओर विंड रहेगी, ठीक है। तो ये तो दोस्तों कल मैं यहाँ तक बना गया, अभी देखो इसको समझना है तो दोस्तों और समझा दूं मैं इसको। देखो ये यहाँ पे डायरेक्शन, जो विंड की डायरेक्शन कैसी है वो दोस्तों क्लॉक वाइज, ठीक है। इधर कैसी है दोस्तों एंटी क्लॉक वाइज, इधर फिर देखो दोस्तों क्लॉक वाइज, इधर देखो दोस्तों एंटी क्लॉक वाइज, इधर देखो दोस्तों क्लॉक वाइज, इधर देखो दोस्तों एंटी क्लॉक वाइज। मैं बता रहा हूँ इस तरह कुछ नहीं पढ़ा था, मैं आपको हर चीज़ बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, अब आप देख सकते हैं खुद ही क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, बट इतना कोई डिटेल में आपको जाने की जरूरत है, बट मैं बता दे रहा हूँ, आप कभी अगर हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको देखो मैं बता दूँ, अगर आपको ये सब याद नहीं हो रहा तो सबसे बढ़िया देखो, अभी देखो अब देखो मैं ये जो हवाएं देखो, अब ये जो हवाएं हैं ये तो अर्थ के ऊपर है ना, मतलब ये अर्थ है तो अर्थ के जो ऊपर एटमोसफेयर पे है, बट ये वाली जो हवाएं हैं ये अर्थ के सरफेस पे है ना, अर्थ के सरफेस पे ये वाली जो हवाएं जो ये चल रही, ये वाली जो विंड है, ये जो विंड है, ये जो क्या है, ये अर्थ के सरफेस पे और ये अर्थ के ऊपर, तो जो सरफेस पे है उसको मैं अंदर बना दे रहा हूँ, जो सरफेस पे है उसको मैं एज इट इज अंदर बना दे रहा हूँ, मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ दोस्तों अंदर बना दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, अंदर बना दे रहा हूँ मैं इस तरीके से, ये मैं इस तरीके से, मैं इस तरीके से, मैं इसको इस तरीके से, मैं इसको इस तरीके से, और मैं इसको इस तरीके से, ठीक है। मैंने क्या किया दोस्तों, जो अर्थ के सरफेस पे जो विंड है मैंने उसको क्या कर दिया, अर्थ के अंदर बना दिया, ये अर्थ के सर, देखो जो अर्थ के ऊपर है तो उसको तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो एटमॉस्फेयर पे है, बट जो सरफेस पे है उसको मैंने क्या कर दिया, अंदर बना दिया। अब अंदर बनाया तो देखो मैंने इस पर और ऐसी तरीके से एयर बना दी, इसी तरीके से मैंने और आपको इसी तरह एयर बना दी, सॉरी दोस्तों इसका जो ये नीचे की ओर डायरेक्शन है, देखो कुछ भी ना याद हो तो मैं सबको आपको एक चीज बता दूं, यहां प्रेशर लो है, क्योंकि दोस्तों यहां प्रेशर लो क्यों होगा, क्योंकि ये 0 डिग्री है, सन की लाइट डायरेक्ट इसमें पड़ रही है तो ये प्रेशर लो होगा, फिर इसका क्या करना है, आप अल्टरनेट बना देना, अल्टरनेट का मतलब दोस्तों यहां प्रेशर लो है तो यहां हाई हो जाएगा, फिर यहां हाई है तो यहां लो हो जाएगा, फिर यहां हाई हो जाएगा, तो आपको अल्टरनेट बना देना, प्रेशर लो है यहां हाई कर देना, यहां लो कर देना, हाई कर देना, और क्या करना है, और ये तो जानते हैं कि प्रेशर जो हवाएं होती है वो क्या करती है दोस्तों, हाई से लो की ओर चलती है, तो दोस्तों देखो प्रेशर क्या है, यहां हाई है तो हाई से लो की ओर चल रही है, इधर भी देखो प्रेशर हाई है तो देखो हाई से लो की ओर प्रेशर चल रही है, तो दोस्तों आप इतना कुछ ना करके भी दोस्तों सीधे कर सकते हैं, बट ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये तो दोस्तों एक समझने की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दी कि अगर आपको कुछ भी ना याद हो तो आपको सीधे करना है कि दोस्तों इक्वेटर पर प्रेशर को लो कर देना और फिर इसको अल्टरनेट बना देना, प्रेशर लो है तो यहाँ हाई कर देना, यहाँ हाई है तो यहाँ लो कर देना, फिर यहाँ लो हाई कर देना, और ये जानते हो दोस्तों मैंने बताया शुरुआत में बताया था, पहली क्लास में ही बताया था कि जो हवाएं होती है दोस्तों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बताती चलती है, मैंने जो विंड विंड जो है विंड डायरेक्शन की ओर जब मैंने बताया था वो बताया था, ठीक है। तो प्रेशर तो इसी तरह मैंने बताया कि हवाएं दोस्तों यहाँ देखो प्रेशर हाई है तो लो की ओर चल रही, यहाँ हाई है तो लो की ओर चल रही, तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये तो दोस्तों एक सिंपल स्थिति हुई है ना, बट हम जानते हैं कि अर्थ पे दोस्तों क्या होता है, कोरियलिस फोर्स लगता है, मैंने पीछे पढ़ा है कोरियलिस फोर्स, तो कोरियलिस जब फोर्स लगेगा तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि हवाएं जो होती हैं वो नॉर्थ में दोस्तों, जैसे ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के नॉर्थ और 0 डिग्री के साउथ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, जो 0 डिग्री के नॉर्थ नॉर्थ में क्या होता है, जो हवाएं जो होती है वो दोस्तों क्या होती है, साउथ नॉर्थ क्या होता है दोस्तों, राइट में टर्न करती हैं, किसके वजह से दोस्तों, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और साउथ में दोस्तों क्या होता है, लेफ्ट की ओर झुक जाती हैं, थोड़ा मुड़ती है ना,
डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाती है। राइट में दोस्तों कोरियलिस फोर्स के बारे में, सॉरी दोस्तों नॉर्थ में कोरियलिस फोर्स की वजह से दोस्तों हवाएं क्या होती है, विंड क्या होती है, राइट की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं, और साउथ में दोस्तों क्या होती है, विंड दोस्तों लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ये मैंने कोरियलिस फोर्स लगाया था, ये तो साधारण स्थिति है, बट इस पर दोस्तों क्या हो रहा है, कोरियलिस फोर्स लग रहा है। तो जब कोरियलिस फोर्स लगेगा तो ये जैसे ये दोस्तों ये विंड है। अब मान लो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, दोस्तों जैसे ये विंड है, ये विंड है, ये वाली विंड देखो, ये विंड है दोस्तों। अब इस विंड पे दोस्तों क्या होगा, ये विंड है तो इस पे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मान लो ये विंड की दिशा है और इसी को आप घोड़ा मान लें और इस पे बैठ जाए, और घोड़ा बैठ जाने के बाद मुंह किधर करना, जिधर घोड़े का मुंह है, और ये आप इस तरह बैठ गए। ठीक है, तो आप घोड़ा जब क्या होगा, आप इसको क्या करना है दोस्तों, आपको राइट की ओर टर्न करना, तो राइट की ओर टर्न करेंगे तो मतलब ये क्या दोस्तों, इस तरीके से टर्न करेंगे तो हवाएं दोस्तों क्या हो जाएंगी, ये वाली इधर की ओर टर्न होगी, ये वाली दोस्तों इधर की ओर टर्न हो जाएगी, क्या होगी, इधर की ओर टर्न हो जाएगी, क्या होगी दोस्तों, इधर की ओर टर्न हो जाएगी। ठीक है, इस तरह दोस्तों यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये दोस्तों अब इधर देख लो, ये दोस्तों नीचे वाली दोस्तों देखो ये ऐसे हैं, है ना, इस पे आप बैठ गए, घोड़ा समझ लो, घोड़े का मुंह उधर है, और दोस्तों फिर क्या करना है, घोड़े को अब साउथ में दोस्तों हवाएं किधर होती है दोस्तों, लेफ्ट की ओर मुड़ती है, मैंने लिखा ना साउथ में दोस्तों कोरियलिस फोर्स की वजह से क्या होती है, हवाएं लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं, तो लेफ्ट किधर है, तो यानी ये इधर की ओर डिफ्लेक्ट होगा, घोड़ा इधर की ओर मुड़ेगा, है ना, क्योंकि दोस्तों इधर देखो इधर ही तो होगा इस तरह है, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, तो ये दोस्तों क्या होगा, इस तरीके से हवाएं इस तरीके से चलती हैं, हवाएं दोस्तों इस तरीके से चलती हैं, हवाएं दोस्तों इस तरीके से चलती हैं, हवाएं दोस्तों इस तरीके से चलती हैं। मैं इसको मिटा दूँ दोस्तों, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं इसको मिटा दूँ दोस्तों, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आ गई समझ में, ये सब ठीक है, इस तरीके से हवा चल रही है। अब इसी तरह दोस्तों इधर होगा, बट इधर आपको एक चीज़ और, कोरियलिस फोर्स में एक चीज़ और आपको याद रखना है कि 0 डिग्री पर दोस्तों कोरियलिस फोर्स दोस्तों क्या होता है, 0 होता है, यानी 0 डिग्री पर कोरियलिस फोर्स बहुत कम लगता है, इसीलिए दोस्तों क्या होता है, इक्वेटर पे दोस्तों हवाओं की जो डिफ्लेक्शन है बहुत कम होता है। देखो मैंने बहुत कम टर्न किया है यहाँ पे, जो हवाएं हैं दोस्तों मैंने हवाओं को देखो बहुत कम टर्न किया, क्योंकि दोस्तों 0 डिग्री पर दोस्तों क्या होता है, कोरियलिस फोर्स शून्य होता है, और सबसे ज़्यादा कोरियलिस फोर्स कहाँ होता है दोस्तों, पोलों पर, पोल पर दोस्तों, एट इक्वेटर पर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इक्वेटर पर दोस्तों क्या होता है, कोरियलिस फोर्स हाई होता है, और जीरो डिग्री दोस्तों इक्वेटर लो होता है। ये आप लिख लें कहीं पर, है ना, इस तरीके से लिख लें, है ना, लिख लेना है दोस्तों, 0 डिग्री पर कोरियलिस फोर्स क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, मतलब दोस्तों विषुवत रेखा पर लिख लेना है दोस्तों, विषुवत रेखा पर कोरियलिस फोर्स दोस्तों क्या होता है, 0 होता है, और सबसे ज़्यादा दोस्तों कोरियलिस फोर्स दोस्तों कहाँ पर होता है, नॉर्थ, ये दोस्तों पोल पर, दोनों पोल पर, नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल पर, तो पोल पर सबसे ज़्यादा और इक्वेटर पर सबसे कम, है ना, यानी 0, ये याद रखना है। तो दोस्तों क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो कोरियलिस फोर्स भी तो बढ़ेगा, अब ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, कोरियलिस फोर्स बढ़ेगा, तो यानी कोरियलिस फोर्स बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा, हवाओं का डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा भाई, जितना ज़्यादा कोरियलिस फोर्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा हवाओं का डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, तो क्या होगा, अब ये हवाएं दोस्तों क्या होती, थोड़ी ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती। अब इधर देखो दोस्तों, ये इस इधर की ओर जा रही है, इसका मुंह देखो इधर की ओर है, इस पर बैठ जाओ घोड़ा, अब ये इसका राइट किधर है, इस दौर है, तो इसका राइट दोस्तों, ये इसका राइट दोस्तों इधर है, बट ये क्या होगी दोस्तों, थोड़ी ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, थोड़ी ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, थोड़ी ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, मैंने इसीलिए डिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा बनाया, ठीक, थोड़ी उस तरीके से थोड़ा ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी वहाँ से। ये सब कॉन्सेप्ट कोई नहीं पढ़ाता दोस्तों यूट्यूब पे, आप पढ़ के देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा दोस्तों, नॉर्थ पोल में है दोस्तों, तो अब ये इधर की ओर जा रहा है, अब दोस्तों ये इधर की ओर है, घोड़ा इधर की ओर जा रहा है, अब इस पर बैठ जाओ तो इसका लेफ्ट क्या होगा, साउथ में, साउथ में लेफ्ट ये होगा, तो ये हवाएं दोस्तों किधर की हो जाएंगी, ये इधर की ओर डिफ्लेक्ट होगी, ये इधर की ओर डिफ्लेक्ट होगी, ये दोस्तों इधर की ओर डिफ्लेक्ट होगी, ये दोस्तों इधर की ओर डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, मैं इनको मिटालते भी जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक, बात समझ में आ गई मेरी, मैं जो बताना चाह रहा था आपको, ये हो गई। अब इधर देखो क्या होगा, ये नॉर्थ है, तो इसका दोस्तों फिर देख लो, मैं ये बार बार इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप भी सीख जाएं, इसका नॉर्थ है, ये इधर की ओर जा रहा है, और तो इसका लेफ्ट राइट क्या होगा दोस्तों, ये इधर होगा, तो फिर ये हवाएं किधर की ओर जाएंगी, बट इधर अब क्या होगा दोस्तों, हवाओं का डिफ्लेक्शन कुछ ज़्यादा होगा, पूरा एकदम इस तरीके से चलेंगी हवाएं, एकदम इस तरीके से चलेंगी हवाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, आप
इस तरीके से लेंगे, ठीक इस तरीके से लेंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, क्यों वो तो पता ही चल रहा है दोस्तों, है ना। और इसमें क्या होगा दोस्तों, ये मैं इसको मिटाल के इसको ज़्यादा इस तरीके से बना दे रहा हूँ, डिफ्लेक्शन दोस्तों थोड़ा ज़्यादा होगा इस तरीके से दोस्तों, डिफ्लेक्शन कुछ ज़्यादा होगा इस तरीके से। सॉरी दोस्तों थोड़ा नीचे की ओर थोड़ा बनते नहीं बनता, बस ये जान लो कि डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा यहाँ, एकदम तिरछी हो जाएंगी हवाएँ, ठीक है इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को, बहुत आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी होगी। तो ये मैंने बता दी विंड का डायरेक्शन। अब इनका मैं हम लोग क्या करते हैं, इनका नाम नाम रखते हैं इनका, इनका क्या करते हैं इनका नामकरण भी तो करेंगे, विंड की हम लोग नामकरण पढ़ते हैं ना कि ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, है ना, ये ईस्टर्ली है, ये वेस्टर्ली, ये पछुआ है, ये सब पढ़ते हैं ना दोस्तों। तो इनका नामकरण मैं इधर मिटाल रहा हूँ, यहीं पर दोस्तों क्या करना है आपको नामकरण करके बता रहा हूँ मैं। देखो देखो इधर देखो, ये क्या होता है दोस्तों, ये जो हवाएं होती इनको इनको दोस्तों क्या बोलते हैं, इनको ट्रेड विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रेड विंड का मतलब व्यापारिक पवने बोलते हैं। ट्रेड विंड क्यों बोलते हैं दोस्तों, ये हिस्ट्री का पार्ट है, हम बताएंगे जब हम लोग मॉडर्न, ये क्या कहते हैं दोस्तों, जब क्या फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे। बट अभी ये जान लो कि ये जो दोस्तों हवाएं होती हैं, ये जो दोस्तों जीरो डिग्री की ओर चलती हैं, दोनों जो जीरो डिग्री की ओर आती हैं दोस्तों दोनों हवाएं, ये कौन सी होती है दोस्तों, ट्रेड विंड होती है। बट इनका हम लोग नामकरण रखेंगे, नामकरण करेंगे तो दोस्तों इसको देखना कैसे है। देखो देखो अब नामकरण करने के लिए दोस्तों क्या है, इस पहले इस वाली हवा को देखो, ये हवा दोस्तों कैसे चल रही, इस तरीके से चल रही है, चल रही इस तरीके से, ठीक है। इसका क्या होगा दोस्तों, इस पर क्या करना है, इस तरीके से बना लेना है। ये दोस्तों क्या होगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, सॉरी दोस्तों ये वेस्ट है, और ये दोस्तों क्या है, ईस्ट है, यानी दोस्तों उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब। दोस्तों हमने क्या बताया था दोस्तों, हवाओं का डायरेक्शन तय करने के लिए ये देखा जाता है कि हवाएं कहाँ से चल रही हैं, ना कि किधर की ओर जा रही हैं। जहाँ की ओर जा रही वहाँ हवा डायरेक्शन नहीं जो देखते, जहाँ से चलना प्रारंभ करती हवा का डायरेक्शन वहाँ देखते हैं। तो हवाओं की दोस्तों इसकी पूंछ पकड़ लो, इसकी पूंछ पकड़ेंगे तो दोस्तों को देखेंगे ये तो ये क्या हवाएं कौन सी दोस्तों, ये नॉर्थ, ये वाली दोस्तों कौन सी हवा है, ये वाली जो हवा है दोस्तों नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, मैंने बताया ये विंड ट्रेड होती है, तो ट्रेड विंड होती है, तो इसका नाम रख दिया मैंने नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, बहुत आसान है ना। इसी तरह दोस्तों इसको देखो, इसको देखो, इसका भी दोस्तों देखो, ये ऐसे चल रही है, ठीक है। अब इस पर हम लोग ये बनाते हैं, ये करेंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ये वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं है ना। अब इसकी देखो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके देखो ये साउथ है और ये इसकी पूंछ पकड़ना है, तो पूंछ देखेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसका क्या नाम रखेंगे दोस्तों हम लोग, इसका क्या नाम रखेंगे दोस्तों हम लोग, साउथ ईस्ट, क्या रखेंगे दोस्तों, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। बड़े आसानी से कोई दिक्कत हो रही होगी नाम लिखने में, है ना, ट्रेड विंड, बात समझ में आ गई मेरी, ट्रेड विंड हो गया। अब इस तरीके से फिर इसका नाम रखेंगे दोस्तों, ये ऊपर वाली का, ठीक है इस वाली का, तो इसका नाम देखो, ये इस तरीके से चल रही है, इसका झुकाव दोस्तों थोड़ा ज़्यादा है, डिफ्लेक्शन इधर की ओर थोड़ा ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, ये हो गया, ये हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया, है ना। अब इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इसकी पूंछ पकड़ेंगे तो देखेंगे ये साउथ, ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये इसको सबसे पहले तो ये जान लो, इसको दोस्तों ये वाली जो हवा होती है इसको वेस्टर्ली बोलते हैं। बट इसका आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि इसका जो ये क्या है, ये वेस्ट की तरफ ज्यादा है ना, ये दोस्तों वेस्ट की तरफ इसका ज्यादा टर्न है, ये वेस्ट की तरफ ज्यादा गई है, ठीक है, वेस्ट की तरफ दोस्तों क्या है, ये ज्यादा गई है, और किस डायरेक्शन में दोस्तों, साउथ की तरफ, तो इसलिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली बोलते हैं। और कौन सी वेस्टर्ली दोस्तों, साउथ वेस्टर्ली, समझ में आ रहा ना, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसका झुकाव दोस्तों देखेंगे आप वेस्ट की ओर ज्यादा है, तो इसीलिए इसको वेस्टर्ली बोलते हैं। और है कहां पर दोस्तों, डायरेक्शन में साउथ में भी आ रहा है इसका, तो साउथ वेस्टर्ली बोलते हैं, बात समझ में आ गई, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, साउथ वेस्टर्ली। मैं इसको मिटा लूं,
इसको नाम लिख देता हूं मैं दोस्तों, यहां पे क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, साउथ वेस्टर्लीज, साउथ वेस्टर्लीज, ठीक है। और इसका क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, अब इसको देख लो, ये ऐसे चल रही है, ठीक है, इसका ये इस तरीके बनाएंगे, और ये दोस्तों किधर है, ये ईस्ट की तरफ, ये क्या है दोस्तों, है ना, ये भी दोस्तों क्या है, वेस्ट की तरफ ज़्यादा है, बट ये है कहाँ पर दोस्तों, ये नॉर्थ में है, तो इसीलिए दोस्तों इसको क्या बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते दोस्तों, नॉर्थ, ठीक है दोस्तों, ये वाली जो हवा है, ये जो नाम है ये यहाँ पे लिखा जाएगा, मैं थोड़ा गलत दिख रहा हूँ, यहाँ पे होगा ये नाम तो ठीक है, मगर ये होगा यहाँ पे, ठीक है, ये होगा यहाँ पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, यहाँ पे होगा, ठीक है, ट्रेड विंड, ठीक। और इसका क्या नाम होगा दोस्तों, इसका क्या नाम होगा दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्ली, बातें समझ में आ रही ना, वेस्टर्लीज, है ना, नॉर्थ वेस्ट, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये वेस्ट की तरफ ज्यादा झुकी है, और है कहां पर दोस्तों, ये नॉर्थ चल रही है, नॉर्थ चल रही, तो इसीलिए नॉर्थ वेस्टर्ली, ठीक है, इसको दक्षिणी परवा पछुआ बोलते हैं, और इसको दोस्तों उत्तरी पछुआ परवा बोलते हैं, ठीक है, पछुआ बोलते हैं, और ये दोस्तों परवा पवने, ये पछुआ पवने होती है, ये परवा पवने होती है हिंदी में, ठीक है। इधर देखो, इसका डायरेक्शन देखो, ये ऐसे चल रही है, और दोस्तों इसका ये मैं देखूंगा, ये दोस्तों नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, सॉरी दोस्तों ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और इसकी पूंछ पकड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, बट ये दोस्तों देखो ईस्ट की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, ईस्ट की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, तो इसीलिए इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्ली, ठीक है, नॉर्थ, और दोस्तों क्या है, इधर ईस्ट की ओर ज़्यादा झुकी हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्ली, ईस्टर्लीज, ठीक है। और इसको फिर इसी तरह इसका भी दोस्तों दूसरा नाम रख देंगे, ये देखो यहाँ पे, इसको देखो ये इस तरीके से चल रही है, और ये है इस तरीके से, और इसका झुकाव दोस्तों ये साउथ में है, बट इसका झुकाव दोस्तों ईस्ट की ओर ज़्यादा है, तो इसलिए दोस्तों साउथ ईस्टर्ली बोलते हैं इसको, इसको क्या नाम रख देते दोस्तों, साउथ ईस्टर्लीज, ठीक है। ये दोस्तों नामकरण हो गए, ये इनके हवाओं के नाम हैं। देखो, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, नौ उत्तरी पछुआ, है ना दोस्तों, और ये दोस्तों दक्षिणी पछुआ, और दोस्तों ये उत्तरी परवा, और दोस्तों ये दक्षिणी परवा, है ना। तो ये नाम है इनके, ये नाम, ये कब है दोस्तों, जब दोस्तों सन दोस्तों क्या है, अब देखो ये हो गया, इसको बना लें अब आप लोग फटाफट, ये साथ बना रहे होंगे तो समझो, हर चीज़ को मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया, समझाने का क्या मतलब था कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए थी। पीछे की क्लास अगर जिसने नहीं देखी होगी, मैं दोस्तों मैं ये जानता हूँ कि आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर पीछे क्लास नहीं देखी होगी तो, अदरवाइज आपको सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, इस तरीके से दोस्तों आपको कहीं कोई नहीं पढ़ाते हुए मिलेगा, बहुत डिटेल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रेड विंड हो गई, और दोस्तों मैंने आपको विंड एयर सर्कुलेशन का पहला कॉन्सेप्ट समझाया, जब कहां पर, जब दोस्तों सन कहां पर हो दोस्तों, जब सन दोस्तों जीरो डिग्री पर हो, तब दोस्तों क्या है, तब ये स्थिति है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों सन कहां से लेकर दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये जीरो डिग्री होता है यहां पे, ये 23.5 डिग्री, और यहां पे दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ, इन तीनों के बीच में चलता है सन, यहां जाएगा फिर ऊपर जाता है फिर यहां आता है फिर नीचे जाता है, इस तरीके चलता है सन, रोटेट करता है, मैंने पहली क्लास बताया था। तो अभी हमने दोस्तों इस स्थिति को समझाया कि जब सन दोस्तों जीरो डिग्री पर होता है तब क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से हवाएं चलती हैं। बट क्या होगा जब सन मान लो इधर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे चला जाएगा, तब ये क्या होगा, तब ये प्रेशर बेल्ट दोस्तों क्या होगा, ऊपर की ओर खिसक जाएगा, यानी अब फिर हवाएं दोस्तों का पैटर्न बदल जाएगा। इसी को तो दोस्तों एयर सर्कुलेशन पढ़ते हैं, इसी को तो कहते हैं, अब दोस्तों दिक्कतें बढ़ने वाली है अगली क्लास में, ठीक है। तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, कब वाला, जब 0 डिग्री पर सन था। देखो इस जिस बना लिया दोस्तों, पहले बना लो फिर मैं समझाता हूँ दोस्तों आपको फटाफट, इसको बनाओ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक। ये ना याद रहेगा ना तो डायरेक्ट आप लोग कर सकते दोस्तों,
प्रेशर दोस्तों क्या होता है, हाई से लो हवा चलती है दोस्तों, हाई से लो बना दो, हाई से लो बना दो, हाई से लो, अल्टरनेट करते जाओ, प्रेशर बढ़ता जाए, चेंज होता जाएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने ट्रिक्स बता दी, बट आपको ये कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है दोस्तों। और ये भी याद रखना कि 0 डिग्री दोस्तों क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स सबसे कम होता है, और मतलब विषुवत रेखा पर कोरियोलिस फोर्स सबसे कम होता है, पोल पर सबसे ज़्यादा होता है, यानी दोस्तों जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाएंगे तो कोरियोलिस फोर्स दोस्तों क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसी वजह से दोस्तों विंड का डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, आपने कर लिया होगा इसको, ठीक है, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा बाद में, अभी समझा लीजिएगा थोड़ा, ठीक। ये दोस्तों अब देखो, समझो, अब देखो मैंने क्या बताया था कि जैसे कि देखो ये सन है, मैंने क्या बताया था पहली क्लास को, मैंने बताया था ये सन है, ये सन है, सन के चारों ओर क्या होती है, अर्थ रोटेट करती है, चार स्थिति में होती सन, सन के चारों ओर अर्थ रोटेट करती है ना दोस्तों, देखो स्थितियां चार होती हैं, पहले एक स्थिति दोस्तों 21 मार्च की, ठीक है, एक दोस्तों होती 23 सितंबर की, मैंने बताया पहली क्लास को, एक होती दोस्तों 21 जून की, 21 जून की दोस्तों, है ना, और फिर होती 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को मैंने बताया दोस्तों 21 जून और 22 दिसंबर, ये यहाँ पे दोस्तों 22 दिसंबर को सन कहाँ पर होता है दोस्तों, मकर रेखा पर, ठीक, मैंने पढ़ाया था 21 जून को दोस्तों कर्क रेखा पर, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ पर 21 जून को होता है, और 23.5 डिग्री साउथ को दोस्तों, 23.5 डिग्री ये साउथ में होता है सन, और ये कब होता है, कहाँ पर होता है ये दोस्तों, जो दब सब विषुवत रेखा पर होता है, विषुवत रेखा पर, ठीक है, विषुवत रेखा पर होता है दो बार दोस्तों सन। तो अभी हमने दोस्तों आपको जब 0 डिग्री पर सन था तब आपको पढ़ाया, यानी दोस्तों 0 डिग्री को सन कब कब होता है दोस्तों, विषुवत रेखा पर दोस्तों 23.5 डिग्री, सॉरी दोस्तों ये कब होता है दोस्तों, 0 डिग्री कब होता है दोस्तों, एक तो 21 मार्च को दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर, तो ये दोस्तों मैंने आपको 23 सितंबर और 21 मार्च की पोजीशन क्या बताया, जब सन दोस्तों 0 डिग्री पर था तब वो विंड का पैटर्न उस तरीके से था। अभी हमको कौन कौन सा पढ़ना है दोस्तों, जब 23.5 डिग्री पर सन जाएगा नॉर्थ पर तब क्या होगा दोस्तों, तब दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ पे दोस्तों, ये दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, सॉरी दोस्तों सही तो लिखा था, 23.5 डिग्री नॉर्थ में कब होता दोस्तों, ये कब की स्थिति है दोस्तों, 21 जून। तो अब हम लोग 21 जून की स्थिति देखेंगे कल, ठीक है, इसके बाद दोस्तों 22 दिसंबर को दोस्तों, सॉरी दोस्तों हाँ 22 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों, सन दोस्तों कहाँ पर होता है दोस्तों, मकर रेखा पर, यानी दोस्तों मैं उल्टा लिख देता हूँ हर चीज़ को, 23.5 डिग्री साउथ में जब सन होगा, 23.5 डिग्री साउथ को, तब क्या होगा दोस्तों, ये तब ये कब कहाँ पर होगा दोस्तों, 22 दिसंबर। अभी यानी हम लोगों ने दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को पढ़ा है, जब सन दोस्तों 0 डिग्री पर होता है तब दोस्तों विंड का पैटर्न उस तरीके से है। अब जब हम लोग अब दूसरा फिर क्या पढ़ेंगे, अभी अगली क्लास में दोस्तों, अभी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे सन होगा तब विंड का डायरेक्शन कैसा होगा, और जब 23.5 डिग्री साउथ पे सन होगा तब विंड का डायरेक्शन कब होगा। तो अभी ये दो पोजीशन बती हुई है सन का, है ना, तो विंड का पैटर्न अभी और पढ़ना है। तो अभी एक स्थिति देखिए, अब कल हम लोग दोस्तों ये दोनों खत्म करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये सेक्शन अच्छा लगा होगा सेशन दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर सेशन समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं दोस्तों कि कैसा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चीज़ों को आप लोग करते रहें दोस्तों साथ साथ में, और जो भी दोस्तों आज नया मेरी वीडियो पहली वीडियो देख रहा है उसको दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि आपको दिक्कत आई होगी थोड़ी सी, वो रीज़न उसका ये है कि आपने पीछे की क्लास क्लाइमेट की नहीं देखी। अगर आप पीछे क्लास देख लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने पीछे की क्लास में हर एक चीज़ समझाया हुआ है। मैं यहाँ से जो शुरू किया था आज वो वहाँ का एंड ही था दोस्तों, ठीक है, उस पर फिर भी मैंने आपको बहुत कुछ दोबारा बताने की कोशिश की, ठीक है। तो ये दोस्तों आज की सेशन है दोस्तों, पढ़ते रहिए, और दोस्तों वीडियो को शेयर करते दम लगा के शेयर कीजिए दोस्तों, जो भी दोस्तों वाकई जो पढ़ना चाहता दोस्तों इस तरीके कंटेंट है दोस्तों, आप लोग उनको पहुँचाएं जरूर। और दोस्तों जो नहीं फीस पे कर पा रहे हैं तो दोस्तों यूट्यूब के थ्रू अच्छा भी मिल सकता है दोस्तों, ये
मैं ऐसा प्रूव करना चाह रहा हूँ कि नहीं, यूट्यूब पे हर कोई इस तरीके से नहीं पढ़ाता, हर लोग अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं उन्हीं में से एक दोस्तों आप लोगों के लिए बनना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि मैं आपके अगर जीवन में कुछ योगदान कर सकूँ, मैं अच्छा कंटेंट आपको वो बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको करना यही है दोस्तों कि वीडियो को शेयर करना है दोस्तों, बस आपको एक ही काम है दोस्तों, आप वीडियो को दूसरे को लोगों को तक पहुंचाएं, बस मेरे लिए आप इतना करते रहें बस खाली, ठीक है। और वीडियो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, जमकर पढ़िए दोस्तों और दूसरों की मदद करते रहें, ठीक है दोस्तों। तो बाय, जय हिंद दोस्तों।